व्यवहारी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, चोरी की 12 मोटरसाइकिल बरामद कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जिले में हो रही मोटरसाइकिल की चोरी और चोरी करने वाले गिरोह पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस अधीक्षक शहडोल श्री कुमार प्रतीक द्वारा बीते दिनों समीक्षा बैठक में निर्देश दिए गए थे। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रोफेशनल तरीके से कार्य कर थाना प्रभारी को बढ़ रही चोरियों को रोकने हेतु निर्देशित किया गया। व्यवहारी पुलिस द्वारा प्राप्त निर्देशों के पालन में दिनांक 1/7/2023 को थाना व्यवहारी के अपराध क्रमांक 572/23 धारा 389 के तहत संदेही ओम प्रकाश निशांत गुप्ता, पिता नीलेश कुमार गुप्ता, उम्र 23 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 14 व्यवहारी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने अपने साथी सूरज नामदेव, पिता अशोक कुमार नामदेव एवं निहाल सिंह उर्फ कैलाश, पिता राजा राम सेन, दोनों निवासी वार्ड नंबर 15 व्यवहारी के साथ कुल 12 विभिन्न मोटरसाइकिल चोरी करना बताया। आरोपी ओम गुप्ता, सूरज रामदेव, निहाल सेन के कब्जे से निम्न अनुसार सूची में उल्लेखित कुल 12 मोटरसाइकिल कीमत करीब 6,00,000 रुपए बरामद की गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया है। प्रकरण का एक अन्य आरोपी रामचरित से फरार है, जिसकी पता तलाश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक शहडोल श्री कुमार प्रतीक के मार्गदर्शन पर व्यवहारी पुलिस की कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक मोहम्मद समीर के नेतृत्व में सौनी, सूर्य प्रताप सिंह परिहार, अमित दीक्षित, साइबर सेल शहडोल, आर रविंद्र वर्मा, आर मलिकट भट्ट, आर अहमद रजा, आर अमृत लाल यादव, त्रिलोक सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, गंगा सागर गुप्ता की सराहनीय भूमिका रही। जो मोटरसाइकिलों की चोरी हो रही थी, जिस पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ अधिकारी हमारे पुलिस अधीक्षक एडिशनल साहब और एसडीओपी साहब सभी ने काफ़ी चिंतित रहे, और इसी तारतम्य में एक टीम गठित की गई थी, जिसमें तलाश पता साझी के दौरान आरोपी ओम गुप्ता निवासी बिहारी को पहले पकड़कर उससे पूछताछ की गई, जिसने वह अपने साथी सूरज नामदेव, निहाल सेन और एक आरोपी इसमें रामचरित से जो अभी फरार है, इनके द्वारा मिलकर क्षेत्र से 12 मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया, जिसकी कुल कीमत वर्तमान में 6,00,000 के आसपास है। इनका मेमोरेंडम लिखकर अलग अलग स्थानों से गोविंदगढ़ के टीकर से और आपके बनचुकली से और लोकल व्यवहारी से टोटल 12 मोटरसाइकिलें बरामद की गई और इनको कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। पिछले 2 सालों से इनके पास चोरी की मोटरसाइकिलें रिकवर हुई हैं और इन्होंने सीधी रीवा और अलग अलग जिलों से मोटरसाइकिल चोरी करने की बात स्वीकार की। वहाँ बाहर से भी कोई डिमांड आई है इनके संबंध में क्या? अभी अब चूंकि इनके वाहन कहाँ से चोरी किए हैं, उनके